अच्छा, मेंटल हेल्थ का बताओ जी। विकेट क्लास वन, इसमें बेसिकली लास्ट टाइम हमने मैनिया, हाइपोमैनिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया किए थे, और उसके साथ बाइपोलर वन, उसकी प्रेवलेंस, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंड डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक डिस्कस किए थे। आज हम जो है बाइपोलर टू की तरफ जाएंगे। उसके क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने मेनिया, हाइपोमेनिया एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की क्राइटेरिया शेयर की है, तो सिर्फ हमने देखना होगा कि बाइपोलर वन और बाइपोलर टू में जो है ना कॉमन कौन सी सिम्टम्स होती है, एंड कौन से सिम्टम्स की बेस पे जो है ना हम जाके एक पेशेंट को इस इन बीमारियों से जो है जाके डायग्नोस करते हैं। इसके साथ साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है, एंड साइक्लोथेमिक के बाद सब्सटेंस इन और मेडिकेशन इंड्यूस बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपोलर टू की तरफ आते हैं। बाइपोलर टू की क्राइटेरिया है दैट क्राइटेरिया हैज बीन मेट। क्राइटेरिया मेट होनी चाहिए किस चीज के लिए? फॉर एटलीस्ट वन हाइपोमैनिक एपिसोड, क्राइटेरिया ए टू एफ अंडर हाइपोमैनिक एपिसोड, ठीक है? वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में की थी इन डिटेल, हाइपोमैनिक एपिसोड क्या होता है, ठीक है? तो बाइपोलर टू डिसऑर्डर करने के लिए जो है ना क्राइटेरिया मस्ट मेट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन हाइपोमैनिक एपिसोड एंड फॉर एटलीस्ट वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। इफ एक पेशेंट आपके पास आते हैं जिसमें उसने एटलीस्ट वन हाइपोमैनिक एपिसोड क्राइटेरिया को मेट किया हो एंड वन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को मेट किया हो, मतलब क्राइटेरिया इज टू सी अंडर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, तो फिर क्या होगा? हमारे पास वो बाइपोलर टू की क्राइटेरिया में आ जाएगा, ठीक है? क्राइटेरिया बी क्या है? देयर हैज नेवर बीन अ मैनिक एपिसोड। बाइपोलर टू में जो है ना कभी भी जो है ना मैनिक एपिसोड नहीं आएगा। अगर मैनिक एपिसोड आ गया तो दैट्स मीन वो बाइपोलर टू नहीं है, वो बाइपोलर वन है। बाइपोलर टू में हाइपोमेनिया एंड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है। अच्छा, द अकरेंस ऑफ द हाइपोमेनिक एपिसोड एंड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय स्किजोएफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर और अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड स्किजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। अच्छा, अगर जो सिम्टम्स या अकरेंस ऑफ हाइपोमैनिक एपिसोड या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, दिस इज बेसिकली नॉट अकर ड्यू टू दीज रीजन, जो बीमारियां मैंने आपको बताई है। द सिम्टम्स ऑफ प्रोडक्शन आर द अनप्रेडिक्टेबिलिटी कॉज बाई फ्रीक्वेंट अल्टरेशन बिटवीन पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन और एंड हाइपोमैनिया। अच्छा, जो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कॉज बाय फ्रीक्वेंट अल्टरेशन, अल्टरेशन बिटवीन चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे होते हैं बिटवीन पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया, तो उसकी वजह से क्या होती है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज हो जाती है। किस चीज में? सोशल, ऑकुपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में। क्राइटेरिया क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? साकिब, उबैद, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफायर्स इसके आ जाते हैं, ठीक है? आपने करंट एपिसोड को स्पेसिफाई करना होता है। क्राइटेरिया तो आपने पढ़ ली है, ठीक है? अब डायग्नोसिस के साथ आपकी स्पेसिफायर होने चाहिए कि वेदर जो करंट स्पेसिफायर है बाइपोलर टू का, वो हाइपोमैनिक है या डिप्रेस्ड है, ठीक है? अच्छा, स्पेसिफाई इफ, ये जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इन डिटेल करेंगे ये वाले। विद एंशियस डिस्ट्रेस, मिक्स फीचर्स, रैपिड साइकिलिंग, मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर, मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर, कैटाटोनिया, पीरपार्टम ऑनसेट एंड विद सीजनल ऑनसेट। ये जब हम इन डिटेल एंड ऑफ द चैप्टर बाइपोलर में जो है ना ये पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये है क्या चीज और हम कौन से सिम्टम्स को देख के जो है ना इसे जाके फिर स्पेसिफाई लगाते हैं बाइपोलर वन के साथ या बाइपोलर टू के साथ, ठीक है? स्पेसिफाई कोर्स इफ फुल क्राइटेरिया फॉर अ मूड एपिसोड आर नॉट करेंटली मेट। अगर
फुल क्राइटेरिया फॉर अ मूड एपिसोड ना नहीं मेट कर रहा हूँ, मतलब हाइपोमेनिया के लिए भी एंड डिप्रेशन के लिए भी, तो उस दौरान आप लोग ये देंगे कि आया पार्शल रिमिशन हो रही है, रिकवरी, रिमिशन क्या है, रिकवरी, और या फुल रिमिशन हो रही है या फुल रिकवरी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब सिवियरिटी लेवल को आप चेक करते हैं तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर आ जाता है। आप लोग सिम्टम्स को देखते हैं, सिम्टम्स जो है बेसिकली माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, मॉडरेट इज द कंडीशन बिटवीन सिवियर एंड माइल्ड, और सिवियर सबसे पीक पे भी हो सकते हैं। एसोसिएटिव फीचर्स जो कि बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 डिसऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, उसमें जो कॉमन की फीचर है वो इम्पल्सिविटी है। इम्पल्सिविटी बेसिकली इज एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, मतलब बगैर सोचे समझे काम करना, ठीक है। तो जो कॉमन फीचर है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में वो इम्पल्सिविटी है, which can contribute to suicide attempts and substance use disorder, और इस impulsivity की वजह से जो patient होता है वो जाके prone होता है towards suicide attempts and substance use disorder, मतलब heroin, cocaine, alcohol, chairs वगैरह ये चीज़ें भी जो है ना इस impulsivity की वजह से use करना start कर सकता है। Impulsivity may also stem from a concurrent personality disorder, substance use disorder, anxiety disorder, another mental disorder or a medical condition. अच्छा, ये बात याद रखे, अगर bipolar 2 disorder के साथ कोई और condition हो जो कि मैंने आपको बताई है, anxiety, substance use, personality या कोई और mental या medical condition, तो उसकी वजह से भी जो है ना impulsivity हो सकती है, ठीक है। अच्छा, देयर मे बी हाइटेंड लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी इन सम इंडिविजुअल्स विद अ बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाले नहीं होते, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव टाइप बन जाते हैं, पोएट्री लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा इस तरह और क्रिएटिव काम जो होते हैं उनमें जो है ना जाके अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाउएवर द रिलेशन बिटवीन मे बी नॉन लिनियर, लाइक ये हो भी सकता है एंड ना नहीं भी हो सकता है। क्यों? That is greater lifetime creative accomplishment has been associated with milder forms of bipolar disorder. जो creative accomplishments है वो basically associate करता है milder forms of bipolar disorder के साथ, ठीक है। And higher creativity has been found in affected family members, जिनकी जो है ना past history नहीं होती, मतलब family history नहीं होती, basically ये higher creativity उन patients में ज्यादा पाई गई है। इसके बाद the individual's attachment to heightened creativity during hypomanic episode may contribute to imbalance. जो patient होता है उसकी जो heightened creativity होती है during hypomanic episode, वो sometime उसके वजह से जो है ना ambivalent situation create हो जाता है about seeking treatment, that doctor खुद confused हो जाता है कि whether इस बंदे को आया treatment की जरूरत है या नहीं, या हमें इसे treatment या दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि mild hypomanic episode इस तरह होता है कि उसमें ना तो hospitalization की जरूरत होती है और ना जो लाइफ की एरियाज है सोशल, एकेडमिक और एजुकेशनल, ना वो एरियाज इतनी हद तक अफेक्ट हुई होती है इसकी वजह से, ठीक है। प्रेवलेंस, इसके प्रेवलेंस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, द 12 मंथ प्रेवलेंस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इंटरनेशनली इज 0.3%, ठीक है। जो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की जो 12 मंथ की जो स्टेटिस्टिकल प्रेवलेंस देखा गया है वो 0.3% है पॉपुलेशन में, और अगर यूनाइटेड स्टेट में हम देखें तो वहां पे 12 मंथ की जो प्रेवलेंस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है वो है 0.8%, ठीक है। द प्रेवलेंस रेट ऑफ अ पीडियाट्रिक बाइपोलर 2 डिसऑर्डर इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश, ठीक है। जो प्रेवलेंस पीडियाट्रिक बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, जो प्रेवलेंस रेट है बच्चों में बाइपोलर 2 के, वो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम जाके उसे एस्टैब्लिश करें, क्योंकि बच्चे तो शरारती भी होते हैं, बातें भी ज्यादा करते हैं, पूछते भी हैं, इधर उधर घूम भी रहे होते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में अपने आप को एंगेज रखते हैं हर टाइम,
समटाइम नॉन गोल डायरेक्टेड भी होता है, तो समटाइम उनकी एजेस इस तरह होती है जिसमें जो है ना उनको उनके बिहेवियर को स्पेसिफाई करना फॉर बाइपोलर टू डिसऑर्डर इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, DSM-4 बाइपोलर वन बाइपोलर टू एंड बाइपोलर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड यील्ड अ कंबाइंड प्रेवलेंस रेट ऑफ 1.8% इन यूनाइटेड स्टेट एंड नॉन यूएस. ठीक है, जो DSM-4 था उसने जो है ना बाइपोलर वन बाइपोलर टू एंड अदर रिलेटेड बाइपोलर डिसऑर्डर उनकी जो प्रेवलेंस रेट बताई थी वो थी 1.8% यूएस में एंड नॉन यूनाइटेड स्टेट कम्युनिटी सैंपल्स में. ठीक है, with higher risk 2.7 inclusive in youth ages 12 years or older. और इसमें जो 1.8% में से जो है ना जो 2.7% था वो basically youth में पाया गया था जिनकी age 12 years or older थी. ठीक है, risk and prognostic factor genetic and physiological इसमें आ जाता है. The risk of bipolar 2 disorder tends to be highest among relatives of individuals with bipolar 2 as opposed to individuals with bipolar 1 disorder or major depressive disorder. ठीक है, जो risk bipolar 1 disorder का जो risk है वो basically first relatives जो होते हैं अगर वो suffer कर रहे हैं, blood relatives जो हमारे होते हैं अगर वो bipolar 2 से suffer कर रहे होते हैं तो the offspring या the fetus या the जो उनकी वो population आ रही है, generation आ रही है, they are likely to suffer more as compared to bipolar 1 disorder or major depressive disorder. ठीक है, there may be genetic factors influencing the age at onset for bipolar disorder. इसमें जो है ना genetic factors भी अपना role play कर रहे होते हैं जो कि influence कर रही होती है age को. ठीक है, एक खास age होती है मतलब start में नहीं हो सकती, फिर जाके end में 40 के बाद 45 के बाद एक age factor इस तरह जेनेटिक जीन्स की वजह से अफेक्ट हुई हो जो कि जाके इंसान उस एज तक पहुंच के जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर वहां पे उसकी ऑनसेट वहां पे स्टार्ट हो जाती है. मतलब अब एक बंदा है उसके 40-50 के लगभग जो है ना उस जीन ने उसकी एज ऑनसेट वहां पे रखी हो तो वो जाके 40-50 के दरमियान उसके जाके वो बाइपोलर सिम्टम्स डिवेलप हो जाएगी. सुसाइड रिस्क जो है वो काफी हाई है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में. Approximately जो 1/3 of individual with bipolar 2 disorder है उन्होंने lifetime में must suicide attempt किया होता है. The prevalence rate of lifetime attempted suicide in bipolar 2 and bipolar 1 disorder appear to be similar. ठीक है, जो दोनों में तकरीबन जो suicide attempted rates है वो bipolar 1 and bipolar 2 में वो तकरीबन similar है. मतलब 32.4% bipolar 2 में and 36.3% respectively in bipolar 1. However, जो lethality है, lethality को जानते हैं? Lethal. No, sir. देखिए, lethal जो है ना, lethal mean खतरनाक, जानलेवा. इसमें जो खतरनाक सुसाइड अटेम्प्ट्स है उसका रेशियो जो है वो बाइपोलर 2 में ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइपोलर 1 डिसऑर्डर. बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की जो सुसाइड अटेम्प्ट रेशियो है वो बाइपोलर 2 से ज्यादा है, लेकिन जो जानलेवा टाइप सुसाइड अटेम्प्ट्स है ना वो बाइपोलर 2 की पेशेंट्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइपोलर 1 डिसऑर्डर. पॉइंट की समझ आई है सबको? जी सर. सबको आई है? जी सर. ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अब हम बाइपोलर 1 को कैसे या बाइपोलर 2 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डिसऑर्डर से. परहैप्स द मोस्ट चैलेंजिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस टू कंसीडर जो चैलेंजिंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हमारे लिए इन बाइपोलर 2 वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से. ठीक है, क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी जो है ना सम टाइम हाइपोमैनिक और मैनिक सिम्टम्स आ सकते हैं, बट वो सिम्टम्स हाइपोमेनिया और मेनिया के फुल क्राइटेरिया को मीट नहीं करते. मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होते हैं. ठीक है, अच्छा,
This is especially true in evaluating individuals with symptoms of irritability, which may be associated with either major depressive disorder or bipolar 2 disorder. इसमें आप लोग इस तरीके से भी differentiate कर सकते हैं कि hypomania या bipolar 2 में जो है ना depression का जो है full criteria meet हो रहा होता है ना, या hypomania का या one hypomanic उसका episode का and one full depressive episode का, ठीक है? But जो depression में manic and hypomanic symptoms आ रहे होते हैं तो उनकी जो क्राइटेरिया है वो फुल मीट नहीं कर रही होती है, ठीक है? मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है? साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर भी जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का एक हिस्सा है, ठीक है? साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है इसमें बेसिकली multiple, numerous mean multiple periods of hypomanic symptoms होते हैं and multiple periods of depressive symptoms होते हैं, but they do not meet symptoms or duration criteria for a hypomanic episode or a major depressive episode. इसमें सिर्फ वो symptoms होते हैं, full criteria meet नहीं हो रही होती, सिर्फ symptoms प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? एंड दो सिम्टम्स आर प्रेजेंट फॉर मल्टीपल पीरियड्स. बाइपोलर 2 डिसऑर्डर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड. अगर हम बाइपोलर 2 को डिसऑर्डर को डिस्टिंग्विश करते हैं साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर से, तो वो कैसे करेंगे? बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड. If a major depressive episode occurs after the first 2 years of psychotomic disorder, if major episode जो है वो आ जाता है 2 साल के बाद, psychotomic disorder के 2 साल के बाद, तो हम additional diagnosis bipolar 2 की उस time दे सकते हैं फिर, ठीक है? Panic disorder or other anxiety disorder. Anxiety disorder needs to be considered in the differential diagnosis. ठीक है, anxiety disorders को भी जो है ना हमने differential diagnosis में basically consider करना है. And sometimes it is frequently present as a co-occurring disorder. मतलब at the time दोनों की भी possibility हो सकती है. मतलब panic disorder and bipolar 2 disorder. Bipolar 2 disorder and generalized anxiety disorder, ठीक है? तो ये possibility इसमें हो सकती है. Schizophrenia और other related psychotic symptoms जो है, हम basically जो psychotic symptoms हैं, उसके base पे जो है ना जाके वो करते हैं, differentiate करते हैं, and जो absence of prominent mood symptoms होते हैं, वो schizophrenia या psychotic disorders में basically नहीं होते, ठीक है? वहाँ पे absence होते हैं उनकी. Other helpful consideration include the accompanying symptoms, previous course and family history. जो accompanying combined symptoms जो आ रही होती है, previous course वगैरह जो होता है, and जो family history वगैरह होती है, तो इस इन चीजों से भी जो है ना हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स को बाइपोलर 2 से. अदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स से बाइपोलर 1 को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स से? बाइपोलर 1 ही है. तो बाइपोलर 1 में जो है ना, आप लोगों को मैंने बार बार कहा है, तो उसमें मस्ट बाइपोलर 1, एक बंदे को बाइपोलर 1 के साथ डायग्नोस के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि उसमें उसने मेनिया का एपिसोड या तो गुजारा हो और या गुजार रहा हो. विदाउट मेनिक एपिसोड आप किसी को बाइपोलर 1 के साथ डायग्नोस नहीं कर सकते, ठीक है? एंड हाइपोमेनिया एंड हाइपोमेनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ bipolar 1 disorder, which is required only for the diagnosis of bipolar 2 disorder. Clear hai sabko? Yes sir. Acha, ye tha bipolar 2 disorder. Ab aate hain cyclothymic disorder ki taraf. Cyclothymia ki jo duration hai wo takriban 2 saal hai, theek hai? For at least 2 years and at least 1 year in children and adolescents. There have been numerous periods. Numerous means multiple periods with hypomanic symptoms that do not meet the criteria for a hypomanic episode.
and multiple periods with a depressive symptoms that do not meet criteria for a major depressive episode. ठीक है, तो साइक्लोथेमिया में basically होता क्या है, दो साल से जब symptoms गुजर जाते हैं, मतलब दो साल के बाद जो ये periods आ रहे होते हैं, इसके जब 2 years duration complete हो जाती है, उस 2 years से एक month या एक week भी गुजर जाए ना, तो फिर हम साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है जाके पेशेंट को देते हैं. ठीक है, तो फॉर एटलीस्ट 2 years देयर हैव बीन मल्टीपल पीरियड्स ऑफ हाइपोमैनिक सिम्टम्स. हाइपोमैनिक सिम्टम्स होंगे जो कि हाइपोमेनिया की फुल क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा, एंड मल्टीपल पीरियड्स ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर की फुल क्राइटेरिया को नहीं मीट करेगा. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. During the above 2 years, the hypomanic and depressive episode have been present for at least half the time. मतलब अगर full time के लिए ये जो ऊपर criteria मैंने कही है, इन 2 सालों में अगर पूरे time के लिए ना हो, तो at least half the time ये दोनों multiple जो मैंने episode symptoms का कहा है, तो ये must present होने चाहिए. And the individual hasn't been without the symptom for more than 2 months at a time. और जो symptoms है उसमें 2 months से ज्यादा time नहीं आना चाहिए. अगर symptoms के दरमियान 5-6 महीने का वक्फा आ गया है और फिर जाके hypomania के symptom आ गई है, फिर 2-3 महीने का वक्फा, फिर depressive symptoms के, तो उस time पे फिर हम psychothermic disorder की diagnosis नहीं देते. Criteria for a major depressive manic or hypomanic episode have never been met. Jo criteria major depressive episode ka hai, manic ke liye hai aur hypomanic episode ke liye hai, they never have been met during cyclothemic disorder. Jo criteria, jo symptoms hai in criteria, they are not better explained by another other psychotic disorders, and jo symptoms hai, they are not due to the influence of physiological effect of substance or another medical condition. If the symptoms cause clinical significant distress, iske wajah se distress cause ho jati hai ya impairment in social, occupational or other important areas of functioning. Theek hai, ye thi cyclothemic ki diagnostic criteria. अब आते हैं इसके specifier की तरफ. इसके हम कौन कौन से specifier इसके साथ आ सकते हैं, तो इसके साथ only anxious distress है. Anxious distress भी जो specifier है वो end में detail से पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आप लोगों को explain नहीं कर रहा, आप लोगों को एक ही मरतबा एक ही time पे वहाँ पे पूरी तरह सही समझ आ जाएगी. प्रेवलेंस क्या है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस क्या है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर के, जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर के वो अप्रोक्सीमेटली है 0.4% से 1%. ठीक है, जो प्रेवलेंस इन मूड डिसऑर्डर क्लिनिक्स है वो तकरीबन 3% to 5% है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर के. अगर जनरल पॉपुलेशन में हम देखें तो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है वो equally common है मेल एंड फीमेल्स में, और इन क्लिनिकल सेटिंग में अगर हम देखें तो फीमेल विद साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर मे बी मोर लाइकली टू प्रेजेंट फॉर ट्रीटमेंट देन मेल्स. ठीक है, तो अगर क्लिनिक जनरल पॉपुलेशन में हम देखें तो इक्वली सफर कर रहे हैं दोनों जेंडर, मेल एंड फीमेल्स. और अगर क्लिनिकल सिम्टम्स में हम देखें तो फीमेल्स जो है ये साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर दे मोर लाइकली बी प्रेजेंट फॉर ट्रीटमेंट देन मेल्स. ठीक है, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर. अच्छा, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में जो है ना आपके पास जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल आ जाते हैं. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर आर मोर कॉमन अमंग फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल विद साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर देन इन द जनरल पॉपुलेशन. अगर एक बंदा साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो आपको हिस्ट्री से पता लग जाएगा कि उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है ना, ब्लड रिलेटिव्स, तो उनमें तो या तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा, या तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर होगा, या तो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होगा. तो दैट्स मीन साइक्लोथेमिक इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक्स. देयर मे आल्सो बी एन इंक्रीज फैमिलियर रिस्क ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर. इसके साथ या इसकी वजह से जो है
सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर की जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो सकती है, और जो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है इट इज मोर कॉमन इन द फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल विद बाइपोलर वन डिसऑर्डर देन इन द जनरल पॉपुलेशन। और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जिनके जो फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव है वो बाइपोलर वन से इफ सफर कर रहे हो, तो उनमें साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे डिफरेंशिएट करेंगे साइक्लोथेमिक को। द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन और डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू इज मेड व्हेन द मूड डिस्टर्बेंस इज जज्ड to be attributable to this physiological effect of a specific usually chronic medical condition. Hum due to another medical condition bipolar and related disorder tab jaake likhenge ya due to medical condition depressive disorder tab jaake likhenge jab hamare paas koi evidence ho ke ye problem is physiological effect of a substance ya medical condition ki wajah se aa rahi hai, for example hyperthyroidism wagaira. This determination is based, ये determination, ये conclusion किस चीज पे बेस करता है? History taking पे, physical examination पे and laboratory findings पे. If it is judged that hypomanic and depressive symptoms are not the physiological consequences of the medical condition, अगर हमें पता लगता है कि ये जो hypomanic and depressive symptoms है ये फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं आ रही, तो उस टाइम पे हम किस चीज की तरफ जाएंगे? प्राइमरी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे, जिस जो कि साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर हमारा होगा, एंड मेडिकल कंडीशन का अलग से हम कोड देंगे फिर। ठीक है, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, ये भी तकरीबन सेम ही है। ठीक है, इसमें भी जो है ना हमने जजमेंट किस चीज पे करनी होती है, दैट अ सब्सटेंस और मेडिकेशन इज इथियोलॉजिकली रिलेटेड टू द मूड डिस्टर्बेंस। इसमें हमने ये देखना होता है कि वेदर ये जो मूड डिस्टर्बेंस है ये सब्सटेंस यूज करने के बाद स्टार्ट हुआ है या सब्सटेंस यूज करने से पहले था। ठीक है, तो वंस वी केम टू नो दैट सब्सटेंस यूज करने के बाद, इंड्यूस करने के बाद ये बाइपोलर और डिप्रेसिव सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, तो फिर जाके जो है ना हम बेसिकली ये डायग्नोसिस देते हैं। ठीक है, द फ्रीक्वेंट मूड स्विंग इन दिस डायग्नोसिस डिसऑर्डर्स आर सजेस्टिव ऑफ साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर यूजुअली रिजॉल्व फॉलोइंग सेसेशन ऑफ सब्सटेंस और मेडिकेशन यूज। ठीक है, अब जो मूड स्विंग्स इन डिसऑर्डर्स में आ रहे होते हैं वो बेसिकली साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट ये मूड स्विंग्स जो है विद सेजेशन जब उनकी विड्रॉल ट्रीटमेंट चल रही होती है उसके साथ साथ वे टाइम टू टाइम खत्म हो जाती है, लाइक 2-3 साल के लिए नहीं रहती। ठीक है, सर मैं दूसरा लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, काइंडली उसे ज्वाइन करें, और उसके बाद बस ये लास्ट 4 स्लाइड्स है वो डिस्कस करके आप लोग की छुट्टी हो जाएगी फिर।